नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। कोरोना का कहर पूरे विश्व में बरपा, इस कहर की चपेट में आने से करोड़ों लोगों ने जान गंवाई। वहीं विश्व के सभी देशों की कमर कोविड 19 महामारी ने तोड़ने का काम किया, लेकिन भारत की स्थिति कोविड के दौरान लड़खड़ाई जरूर लेकिन निचले स्तर पर नहीं पहुंची थी। अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसे देखें तो भारत ने कोविड के समय अपने जीडीपी को निचले स्तर पर भेजने का काम नहीं किया है। चलिए अब आपको पूरी जानकारी डिटेल से समझाते हैं। दरअसल भारत की आर्थिक सुधार की संभावना इस वर्ष की पहली तिमाही में मुख्य रूप से ओमिक्रॉन से संबंधित प्रतिबंधों और उच्च मुद्रास्फीति के कारण से फिर से लड़खड़ा गई। राइटर पोल की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में वृद्धि जनवरी मार्च तिमाही के लिए 4.0% पर एक साल पहले इसी अवधि की तुलना में 46 अर्थशास्त्रियों के 23-26 मई के राइटर्स पोल में दर्ज की गई थी, जो कि 2021 में 5.4% से नीचे है। ये एक साल में सबसे धीमी और कमजोर वृद्धि की लगातार तीसरी तिमाही होगी। आपको बता दें कि निचले स्तर पर जीडीपी के पहुंचने की वजह बार्कलीज में भारत के मुख्य अर्थशास्त्री राहुल बाजोरिया का मानना है कि कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन संस्करण के कारण कोविड 19 संक्रमणों में वृद्धि और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए गतिविधि पर परिणामी प्रतिबंधों की वजह से हुआ है। उनका कहना है कि डेटा के लिए पूर्ण अनुमान 31 मई को 1200 जीएमटी के कारण व्यापक रूप से 2.8% से 5.5% तक था। अर्थशास्त्रियों ने ये भी नोट किया है कि आगामी रिलीज में कमजोरी का एक हिस्सा एक साल पहले उच्च आधार के कारण होगा। सरकार आधिकारिक तौर पर तिमाही दर तिमाही जीडीपी डेटा जारी कर रही है। जनवरी मार्च वित्तीय वर्ष 2021 से 22 की अंतिम तिमाही थी। वित्त वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में अर्थव्यवस्था 20.3%, 8.5% और 5.4% की दर से बढ़ी, जिसे संशोधित किया जा सकता है। बहरहाल आपको बता दें कि उच्च मुद्रा स्फीति के कारण उच्च ब्याज दरों का प्रभाव विकास के लिए शुद्ध नकारात्मक होने की उम्मीद है। फिलहाल आगे जीडीपी को लेकर सभी अपडेट्स हम आपको बताते रहेंगे। तमाम ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ नेशन।